तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल मास्टरमाइंड अंकित। तो फ्रेंड्स आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे हाथ में है MI 11 लाइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग, रिव्यू और पबजी टेस्टिंग, और उसी के साथ में करने वाले हैं वाटर टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स अगर आप इस फ़ोन को बाय करना चाहते हो तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल पता लग जाएगी इस फ़ोन की कि आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से, उसके बाद मैं बताऊँगा इस फ़ोन के कुछ मेन फीचर्स और इसकी कुछ खास बातें। तो फ्रेंड्स करते हैं अनबॉक्सिंग, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स करते हैं हमारे Mi 11 की अनबॉक्सिंग। उससे पहले फ्रेंड्स बॉक्स पे देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे MI की ब्रांडिंग मिलेगी, इधर मिलेगी MI की ब्रांड, और ऊपर के साइड मिलता है अपन को कलर, प्राइस वगैरह, कौन से वेरिएंट में है। हमारे पास है 8GB 128GB में, और यहाँ पे आपको प्राइस वगैरह, ऑल टैक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और बैक साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे 64MP ट्रिपल कैमरा, और उसके बाद में 90Hz एमुलेट SDR10 के साथ, और चार्जर वगैरह की डिटेल्स। तो फाइनली फ्रेंड्स इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। तो करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि अपन को बॉक्स कंटेन में क्या क्या मिलता है। तो करते हैं इसको अनबॉक्स। तो फ्रेंड जैसे ही अपन बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके बाद में अपन को मिलता है यहाँ पे सिम ट्रे टूल। उसके बाद में फ्रेंड्स और ओपन करते हैं तो यहाँ पे अपन को मिलता है कुछ डॉक्यूमेंट जो हर MI के फोन में आपको मिल जाती है। तो इसको रख देते हैं साइड में। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स इस बॉक्स में अपन को एक नई चीज़ देखने को मिलती है, वो है टाइप सी ऑडियो जैक। इसके अंदर फ्रेंड्स आपको ऑडियो का कोई अलग से जैक देखने को नहीं मिलेगा, जो चार्जर पोर्ट है उसी के अंदर आपको ये ऑडियो जैक लगा के ईयरफोन कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसको भी रख देते हैं अपन साइड में और बात करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपन को मिलता है जो हर MI के फ़ोन के साथ मिलता है नॉर्मल सा वाइट सा केस। तो यहाँ पे ये नॉर्मल सी क्वालिटी का है, ज़्यादा इतना बढ़िया भी नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको भी रख देते हैं साइड में और फिर बात करते हैं अपने बॉक्स कंटेन की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपन को मिलता है अपना Mi 11 लाइट। तो फ्रेंड्स ये है मेरे पास जैस ब्लू कलर में। तो फ्रेंड्स इसकी करते हैं बाद में बात, इसको भी रख देते हैं साइड में और देखते हैं अपने बॉक्स में अपन को क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स जैसे इसको साइड में हटाएंगे उसके बाद में अपन को मिलता है टाइप सी नॉर्मल सी केबल, जो आपको हर MI के फ़ोन के साथ देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स इसको भी रख देते हैं साइड में। इसके बाद फ्रेंड्स देखने को मिलता है अपन को 33W का फास्ट चार्जर। तो ये भी नॉर्मल सा चार्जर है जो आपके 5G फ़ोन के साथ मिलना ही चाहिए, तो बढ़िया चार्जर है। तो फ्रेंड्स इन बॉक्स कंटेन को रख देते हैं साइड में। तो बात करते हैं अपने फ़ोन की, उससे पहले अपन इसके कवर को रिमूव कर लेते हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स हमने इसका कवर रिमूव कर लिया है। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे जो बैक पैनल है वहाँ उस पर आपको ग्लास बॉडी देखने को मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। और फ्रेंड्स यहाँ पे आगे भी गोरिल्ला ग्लास की 5 की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलती है। और नीचे की साइड मिलता है सिम ट्रे टूल, उसके बाद में मिलता है टाइप सी चार्जर पोर्ट, और उसके बाद मिलता है अपन को स्पीकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साइड की बात करें तो यहाँ पे अपन को मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, उसके बाद में मिलता है वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन रॉकर्स, और ऊपर मिलते हैं अपन को देखने को कुछ सेंसर्स। और फ्रेंड्स उसके बाद में आपको कॉर्नर में वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा मिलता है। तो फ्रेंड्स अब कर लेते हैं अपने MI 11 लाइट को बूट जल्दी से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा MI की ब्रांडिंग आ चुकी है, अपना जो अपना फ़ोन है जो बूट हो रहा है। तो देर में बात कर लेते हैं इसकी। तो फ्रेंड्स आप इसकी स्लिमनेस देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्लिम फ़ोन है ये। तो फ्रेंड्स हमारा फ़ोन हो चुका है बूट। तो फ्रेंड्स उससे पहले इसकी आगे की बात करें, उससे पहले इसको कंपैरिजन करते हैं Vivo V21e से कि कौन ज़्यादा स्लिम है। तो फ्रेंड्स ये जो फ़ोन है वो Vivo V21 वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, बट उससे भी ज़्यादा स्लिम ये MI 11 लाइट आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा स्लिम फ़ोन है और लाइट वेटेड फ़ोन है ये। तो फ्रेंड्स करते हैं इसको ओपन और देखते हैं इसके कैमरा फीचर्स वगैरह। तो फ्रेंड्स जैसे अपन इसको कैमरे को ओपन करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो बैक पैनल पे कैमरा और 3 कैमरे देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा है वो 60MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इसके बैक कैमरा। तो फ्रेंड्स जो बैक कैमरा है वो भी काफ़ी बढ़िया है। एक जो मेन कैमरा है वो 64MP का है, बाकी एक 8MP का है और एक 5MP का है। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कैमरेज हैं। तो इसको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको इसकी कैमरा फीचर्स। और फ्रेंड्स इसी के साथ इसका जो कैमरा नॉच है वो ज़्यादा बाहर नहीं निकला हुआ है, 1.1mm सा ही, बस इतना सा ही, ज़्यादा इसका कैमरा बाहर नहीं निकला हुआ है, इतना सा इसका कैमरा बाहर निकला हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इसकी डिज़ाइन देख सकते हो, काफ़ी स्मूथली डिज़ाइन बनाई गई है इसकी, काफ़ी बढ़िया फ़ोन। मुझे पर्सनली काफ़ी स्लिम, और जो इसका जो वेटेड है वो है 1.5 ग्राम्स इसका वेट है,
बहुत ही स्लिम फोन है, बहुत ही लाइट वेटेड फोन है। तो फ्रेंड्स अगर इसको अपन धूप में लेके जाते हैं तो इसके जो बैक पैनल पे आपको हल्के फुल्के से ब्राइटनेस से इफेक्ट देखने को मिलेंगे, और फ्रेंड्स जो इसकी ब्राइटनेस लेवल है वो भी एक अलग ही लेवल की। अगर आप इसे धूप में यूज करते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और फ्रेंड्स जो इसका बैक पैनल है देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने अनबॉक्सिंग तो देख ही ली है, तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इस फोन की कुछ खास बातें। जो फ्रेंड्स इसकी जो पहली खास बात है और वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है पर्सनली, तो फ्रेंड्स वो है इसकी स्लिमनेस। तो फ्रेंड्स इस फोन की आप स्लिमनेस देख सकते हो, इसकी जो मोटाई है वो है ओनली 6.81 mm है। अगर इसे और फोनों से कंपेरिजन करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये किस किस फोन से स्लिम फोन है। तो फ्रेंड्स ये अभी तक का MI का सबसे स्लिम फोन है। तो फ्रेंड्स जो सेकंड खास बात है वो है इसका वेट। ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड फोन है फ्रेंड्स, इसका जो वेट है वो है ओनली 152 ग्राम। तो फ्रेंड्स इसको अगर और फोनों से कंपेरिजन करा जाए तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि और किस किस फोन से ये बहुत ज्यादा कम वेटेड है। MI का ये सबसे ज्यादा इसको कम वेटेड फोन भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हल्का फोन है। और फ्रेंड जो थर्ड नंबर पे आती है वो है इसकी ब्राइटनेस और एमुलेट स्क्रीन। फ्रेंड जो इसकी स्क्रीन है वो है 90 हर्ट्स HDR 10 bit पे। तो फ्रेंड्स अगर आपको HDR 10 bit का मतलब नहीं पता है तो फ्रेंड्स आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह है HDR 10 bit का मतलब। अगर 10 bit का जो है फ्रेंड्स ये इंडिया के अंदर पहला मोबाइल है 10 bit के साथ में। तो फ्रेंड्स आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं अगर आपके पास 10 bit वाला मोबाइल है तो आपको कैसा AMOLED डिस्प्ले आपको दिखेगा। तो बहुत ही अमेजिंग डिस्प्ले है इसका, मैंने पर्सनली इसको यूज़ करा है 2 से 3 दिन तक, तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन है और काफ़ी बढ़िया इसका AMOLED डिस्प्ले आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब आते हैं फोर्थ पे। जो फोर्थ है फ्रेंड्स वो इसका है प्रोसेसर। इसके फ्रेंड्स जो इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है वो है स्नैपड्रैगन 732G। तो फ्रेंड्स इस प्रोसेसर की मदद से आप पबजी वगैरह खेलते हो तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आती है। जो पबजी का टेस्ट है वो नेक्स्ट टेस्ट पबजी का है, तो वो देखना आप बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स अगर आप इसके अंदर पबजी वगैरह खेलते हो तो वो बहुत अमेजिंग और सॉफ्टली तरीके से आपको इसके अंदर पबजी रन होता है। तो अगर आप पबजी के लिए खरीदना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन है। फिफ्थ एंड लास्ट फीचर फ्रेंड्स अब आते हैं इसके कैमरा पे। इस पे फ्रेंड्स आपको 3 कैमरा देखने को मिलेंगे। जो फ्रेंड्स इसका मेन कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का, और फ्रेंड्स जो इसके अंदर सेकंड कैमरा है वो है अल्ट्रा वाइड कैमरा, वो मिलेगा आपको 8 मेगापिक्सल का। और जो यहाँ पे थर्ड कैमरा दिख रहा है वो है डेप्थ सेंसर, वो आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का। तो ऑल ओवर इसका कैमरा भी काफ़ी बेस्ट है इस रेंज की प्राइस में। और फ्रेंड्स जो इसका आगे का कैमरा है वो है सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का, तो बहुत ही अच्छा कैमरा है आगे का भी। मैंने इस पर काफ़ी पर्सनली फोटोज लेके देखी है, काफ़ी अच्छी फोटोज आती हैं। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो इसके MI की पर्सनल फोटोज हैं, जो ऑथोराइज फोटोज है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने पूरा ओवरऑल बात कर ली है इसके MI 11 लाइट के पूरे फीचर्स के बारे में। अब कर लेते हैं इसका PUBG टेस्ट, उसके बाद में करेंगे वाटर टेस्ट। तो लेट गेट स्टार्टेड, करते हैं इसका PUBG टेस्ट। तो फ्रेंड्स आप जैसे ग्राफिक्स पे सेट करते हैं तो यहाँ पे ये HDR में पूरा ऑन हो जाता है, HDR में पूरा हाई ग्राफिक्स तक ऑन हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत स्मूथली PUBG इसके अंदर रन कर रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है। इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी बढ़िया है, स्नैपड्रैगन 732, काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए PUBG प्ले थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर PUBG काफ़ी स्मूथली प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स जो इसका सॉफ्टवेयर है वो सब सॉफ्टवेयर का कमाल है। जो इसका सॉफ्टवेयर है 732G काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप इसके लिए PUBG खेलने के लिए परचेज करना चाहते हो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कुछ भी, तो आप ये बेस्ट फ़ोन है आपके लिए PUBG खेलने के लिए। और ओवरऑल ये कैमरा वगैरह सब इसका बेस्ट प्रोसेसर है, तो आप अगर ये परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ़ोन पूरा वर्किंग कंडीशन में है, बिल्कुल पूरा नया फ़ोन है, जैसा अभी मैंने अनबॉक्सिंग किया था वही फ़ोन है ये। हम इसको 2 मिनट तक वाटर के अंदर डिप करके रखने वाले हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। फ्रेंड्स आप ये अपनी रिस्क पे कर सकते हैं अगर आप अपना फ़ोन वाटर टेस्ट करना चाहते हो। तो लेट्स बिगिन, चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने बैकेट में रख दिया है फ़ोन, अब करते हैं टाइमर स्टार्ट। फ्रेंड्स हमने टाइमर भी स्टार्ट कर दिया है, अब डालते हैं इसके अंदर पानी।
फ्रेंड्स, हम धीरे धीरे इसके अंदर पानी भर रहे हैं। हम इसको पूरा कम्प्लीटली 2 मिनट तक इसके अंदर वाटर के अंदर डिप करके रखेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे 2 मिनट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो निकाल लेते हैं इसको पानी से बाहर। तो फ्रेंड्स, अब कर लेते हैं इसको थोड़ा सा साफ। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं हमारा फ़ोन पूरा वर्किंग कंडीशन में है, अभी तक भी स्टार्ट है, ये पूरा बंद नहीं हुआ है। तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं साफ, फिर आपको दिखाते हैं ऑन करके कुछ ऐप्स वगैरह कि ये स्टार्ट होता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं पूरा फ़ोन में से थोड़ा बहुत पानी निकल रहा है, थोड़ा झड़काने में अगर पानी निकल रहा है वॉल्यूम स्पीकर्स में से वगैरह में से। बट फ्रेंड्स, हमारा फ़ोन पूरा वर्किंग है, स्क्रीन वगैरह देख सकते हैं आप, पूरी स्क्रीन वगैरह वर्किंग है इसके। अभी आप 2 मिनट हमने पानी में रख लिया है, फिर भी फ़ोन के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब करते हैं इसका म्यूजिक टेस्ट कि देखें म्यूजिक चलता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इसके स्पीकर अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कैमरा ओपन करके कि कैमरा अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। तो करते हैं कैमरा ओपन, एक सेकेंड। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसका पूरा कैमरा भी अच्छे से वर्क कर रहा है, पूरा कैमरे में भी कुछ भी वाटर ड्रॉप्स वगैरह कुछ भी नहीं है, पूरा अच्छे से कैमरा वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मी 11 लाइट का वाटर टेस्ट। तो ये वाटर टेस्ट में अपना मी 11 पास हो जाता है, तो ये वाटर रेजिस्टेंट है, आप 2 मिनट तक अगर पानी में गिर जाता है तो वर्किंग पूरा वर्क करता है फ़ोन। तो फ्रेंड्स, आपने इसका अनबॉक्सिंग देख ली, रिव्यू भी देख लिया, पबजी टेस्टिंग भी देख लिया, वाटर टेस्टिंग भी देख लिया। तो फ्रेंड्स, आपको ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर फ्रेंड्स ये मोबाइल आपको बाय करना है तो आप एक स्क्रीन पे मेरे पे कार्ड देख रहे होंगे मिलन मोबाइल स्टोर का। मैंने ये मोबाइल इस स्टोर से परचेज़ किया है, मुझे मोबाइल मिला है 29,919 का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में भी इस शॉप का एड्रेस दिया हुआ है और कार्ड पे भी एड्रेस दिया हुआ है और कार्ड पे नंबर है और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए हुए हैं। तो जाके कॉल करिए अगर आपको ये फ़ोन बाय करना है, या और अदर कोई भी MI ब्रांड का कोई भी स्मार्टफोन, लेटेस्ट स्मार्टफोन बाय करना है तो जाके कॉल करिए। अगर आपको कोई कुछ भी पूछना है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नए वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय।